हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक वाटर 2। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो हमारी चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आई बटन पे भी। तो कहानी शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन जंगल से, जहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं। ये असल में ट्रैकिंग करने आए हुए हैं लेकिन अपना रास्ता भूल चुके हैं। अब सोई अपनी वाइफ को बार बार कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अपने साथ कंपास लेके आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हालांकि वो ये भी नहीं मानती कि हम लोग गुम हो चुके हैं। इस बात से सुई गुस्से में आ जाता है और खुद ही अकेले आगे रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही समय बाद हमें उसकी चीख सुनाई देती है। अब जूली, जो कि उसकी वाइफ है, फौरन उसके करीब जाने की कोशिश करती है कि तभी उसका पैर एक खाई में पड़ता है और वो सीधा नीचे एक गुफा में जाकर गिरती है, जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर सुई दिखता है लेकिन वो मर चुका था। वो उसके पास जाती है इससे पहले कि पानी में कुछ हलचल होती है और कोई अजीब सी चीज़ उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ इस तरह से ये कहानी का इंट्रो हमें दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में, जहाँ पे हम जेनिफर और एरिक को देखते हैं जो आज कहीं घूमने जा रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक और कपल आते हैं, यूलांडा और सैम, जो इन्हें ज्वाइन करेंगे। वेल, अब चारों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की और रात होने पे उन्हें कैश मिलता है, जो एरिक का बहुत खास दोस्त है। वो एक गाइड भी है और बहुत सारी रिसर्च भी करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे एक केव के बारे में पता चला है जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करी है। हम लोग वहाँ जाके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर उसकी वीडियोस बेच करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। पर उसकी बातें सैम को कुछ खास पसंद नहीं आती। वो ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो साफ साफ सबसे कह देता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। खामखा हम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। इसी दौरान यूलांडा जेनिफर को खुद की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो ये बात ना तो एरिक को बताए और ना ही सैम को। ये न्यूज़ सबको एक खास जगह पर बताना चाहती थी। अब उस रात सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैम के मन में अभी भी वही बात थी। तो रूम में यूलांडा से इस बारे में बात करता है कि अगर वो कहीं आइलैंड पे जाएं तो वहाँ उन्हें सुकून भी मिलेगा, क्या फ़ायदा ऐसी जगह पर जाने का जहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा हो। पर वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम घबराओ मत, हम वहाँ सेफली जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग निकल जाते हैं उस केव की तरफ। बीच रास्ते में यूलांडा को कुछ क्रोकोडाइल भी दिखते हैं, जिसकी वो फोटोज़ भी क्लिक करती है। पर उन्हें देखकर जेनिफर कैश से पूछती है कि क्या यहाँ ऐसे और भी एनिमल होते हैं। तो वो कहता है कि हाँ बहुत, तुम घबराओ मत, मैं इनके लिए अपने साथ एक चीज़ लेकर आया हूँ। वो उन्हें बंदूक दिखाता है, जिसे सैम फौरन उसके हाथ से लेकर डैशबोर्ड में रख देता है। पर क्या उसने एक गलती कर दी? क्या उन्हें इस बंदूक को अपने साथ अंदर लेकर जाना चाहिए था? नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। पांचों लोग जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें आगे पैदल ही जाना होगा। वो अपने हेलमेट और सेफ्टी इक्विपमेंट को पहन लेते हैं और फिर कुछ ही देर में उस केव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये वही केव है जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब धीरे धीरे करके ये सारे अंदर उतरते हैं और उतरते ही इन्हें अजीब सा कंकाल मिलता है, जिसे इस तरह से मारा गया था कि पता ही नहीं लग रहा था कि ये इंसान है या फिर जानवर है। सैम इस कंकाल को बहुत ही गौर से देखता है, पर उसे इग्नोर करके वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब धीरे धीरे ये केव के काफ़ी अंदर तक पहुंच चुके थे, पर तभी हम देखते हैं कि बाहर मौसम बिगड़ने लगा है और तेज़ बारिश होने लगी है। सारी जगहों पर वाटर फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो सारा पानी इस केव में भरता जा रहा है। लेकिन इस बात से सारे लोग अनजान हैं, इन्हें इस टाइम बस केव को एक्सप्लोर करना है। कुछ ही देर में ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ भी केव बहुत ही बड़ी हो चुकी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है, और सब इस जगह को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। पर यहाँ कैश को तो कुछ और ही प्लान होते हैं। वो एरिक से कहता है कि पहले हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पे और भी लोग को और टूरिस्ट को लेकर आएंगे, जिनसे हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अब सारे लोग इस जगह को चारों तरफ फैल जाते हैं, उधर एरिक और कैश एक साथ होते हैं, पर उन्हें वहाँ एक सीवेज मिलता है, यानी कि उस केव की दीवारों से पानी तेज़ी से लीक हो रहा है। तो एरिक कहता है कि मुझे लगता है कि ऊपर शायद बारिश हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कैश उसे थोड़ा और अंदर जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को अपने से दूर पानी में कुछ बुलबुली दिखते हैं, वो सबको इस बारे में वार्न करती है। लेकिन तभी अचानक से तेजी से और पानी अंदर आता है, जिससे वो जगह आधी भर जाती है। सारे फौरन एक ऊंची चट्टान पर जाकर इकट्ठा होते हैं और यहाँ जेनिफर एरिक और कैश को बहुत सुनाती है कि तुम लोगों को पहले मौसम चेक कर लेने चाहिए था कि बारिश होने वाली है या नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए। असल में ये लोग जिस जगह से आए थे वो पानी का लेवल बढ़ने की वजह से अब नीचे जा चुकी है, और अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए पानी के नीचे तैर कर जाना होगा, और इतनी देर बिना किसी ऑक्सीजन के स्विम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी बीच एरिक को दिखता है कि पानी तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है और उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना ये यहीं डूब कर मारे जाएंगे। पर यहाँ कैश कहता है कि मेरा बैग पानी में ही गुम हो चुका है,
कार की कीज उसी में है, तो हमें पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो एरिक को लेकर वो नीचे जाता है, पर जेनिफर उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद सैम बताता है कि हम एंट्रेंस से बाहर नहीं जा सकते, हमें अंडर वाटर स्विम करके बाहर जाना होगा एक दूसरी जगह से। तो सारे लोग एक करके अब पानी में उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान सैम को कैश का बैग भी मिल जाता है, जिसे लेने वो थोड़ी और आगे जाता है, पर तभी एक क्रोकोडाइल उन पर हमला कर देता है और उसे नीचे ले जाने लगता है। अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फौरन सैम की बॉडी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उन्हें एक और बॉडी मिलती है जिसका सर ही गायब था। तभी एरिक सैम को देख लेता है और उसे वो लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन ये बॉडी किसकी है ये सवाल अधूरा रह जाता है। यहाँ यूलांडा और कैश दूसरी चट्टान पे थे और जेनिफर और एरिक उनके सामने वाली चट्टान पर, जिसे जहाँ मौका मिला वो वहाँ पे चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ वो देखते हैं कि सैम के पेट में चोट लग चुकी है और उसमें से खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसे जल्दी से यहाँ से निकालना होगा वरना उसकी जान जा सकती है। एरिक कहता है कि हमें बाहर जाकर हेल्प मांगनी पड़ेगी, तो वो कैश से कहता है कि तुम और मैं एंट्रेंस की तरफ जाएंगे और यहाँ यूलांडा उस लाश को क्रोकोडाइल की ओर फेंकेगी, जिससे कि उसका ध्यान भटक सके और इधर हम एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद वो लोग प्लान शुरू करते हैं और सेम वैसे ही करते हैं जैसे इन्होंने सोचा था। एरिक और कैश अंडर वाटर स्विम करके उसी एंट्रेंस के पास आ जाते हैं, लेकिन इतनी बारिश की वजह से वहां पे बहुत सारे पत्थर जमा हो गए थे, जिसे हटाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं ये, लेकिन कर नहीं पाते। तब एरिक कहता है कि हमें अब वापस चलना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि सैम की अब और ज्यादा तबीयत खराब होने जा रही है। उसे असल में दोस्तों अस्थमा होता है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो जेनिफर यूलांडा से कहती है कि तुम्हारे पास इसका इनहेलर है, तो वो उसे एक इनहेलर अपने बैग से निकाल कर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो वहां तक पहुंचने के बजाय पानी में गिर जाता है और ये बस एक ही था। तो यूलांडा अभी अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद जाती है ताकि उस इनहेलर को पा सके, लेकिन तभी जेनिफर को उसके पास क्रोकोडाइल दिख जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। वो उसे हिलने को मना करती है, बस एक जगह शांति से खड़ा रहने को बोलती है। अब वो सेम ऐसे ही करती है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल उस लाश के पास चला जाता है जो इन्होंने फेंकी थी, और इसी का फायदा उठा के यूलांडा उन दोनों के पास पहुंच जाती है और फिर सैम को इनहेलर दे देती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता हो। और वहीं दूसरी तरफ अब मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो अब वहीं वापस जाएंगे जहां पे सारे दोस्त हैं, लेकिन एरिक का पैर उस पत्थर में फंस जाता है और कैश आगे निकल जाता है। जब वो ऊपर आकर देखता है तो वहां एरिक उसे नहीं दिखता, वो उसे आवाज भी आता और उसकी आवाज से एरिक तो वापस नहीं आता, पर क्रोकोडाइल जरूर आ जाता है जो उसके पैरों से आकर टकराता है, जिससे कैश बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन तब तक वो उसे अपने जबड़े में फंसा कर अंदर खींच लेता है। और कुछ देर बाद वहां एरिक जब पहुंचता है तो उसे वहां पर कैश की बस टॉर्च मिलती है, क्योंकि कैश तो क्रोकोडाइल के पेट में था। वो समझ जाता है कि उसे वो लेकर चला गया है। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूलांडा सैम को बता देती है कि वो फादर बनने वाला है, जिसे वो बहुत ही खुश होता है। इसे उसके अंदर जिंदा रहने की थोड़ी और ताकत मिल जाती है। वहीं कुछ दूर पे जेनिफर को एक पैसेज मिलता है जहां से बाहर निकला जा सकता था। इसी बीच वहां एरिक भी पहुंच जाता है। अब उसके आते ही सब लोग उसे कैश के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि वो क्रोकोडाइल उसे अपने साथ ले गया, और ये सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं, पर उन्हें अब यहाँ से निकलना है। तो जेनिफर उसे वही पैसेज के बारे में बताती है जो अभी भी उसे देखा था। वो डिसाइड करता है कि वो और यूलांडा उसे देखने जाएंगे, और अगर कुछ हुआ तो वापस आकर उन्हें भी ले जाएंगे। अब दोनों निकल जाते हैं। इधर सैम जेनिफर को बताता है कि उसने बहुत से डॉक्टर को दिखाया था, पर सबने कहा कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन अब जब उसे यूलांडा ने इस बारे में बताया है तो वो बहुत ही खुश है। अब जेनिफर को ही बहुत अच्छा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है एरिक पे, जो उस पैसेज तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि वो तो बंद है। इसी दौरान वहां यूलांडा भी उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर सैम के पास चुपचाप बैठी हुई थी, तभी उसे याद आता है कि यूलांडा के पास एक कैमरा है, तो वो उसके बैग से कैमरा निकाल कर उसकी पिक चेकआउट करने लगती है। उसे अपने ग्रुप की बहुत सी फोटोज मिलती है और उसे देखकर बहुत ही अच्छा फील करती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो स्लाइड कर रही थी उसमें बहुत सी एरिक और यूलांडा की भी फोटोज देखने लगती है। और एक समय पे तो ऐसा आता है जब उसे उन दोनों की कुछ प्राइवेट फोटोज भी दिख जाती है। तब उसे समझ आता है कि असल में ये बच्चा किसका है। वेला वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद सैम को दूर पड़ा कैश का बैग दिखता है, जिसमें कार की कीज मौजूद थी। वो इस बारे में जेनिफर को बताता है, तो वो फौरन उसे लेके ऊपर आती है। वेल, अब जिस जगह पे ये दोनों मौजूद थे वहां पे पानी भरना और ज्यादा शुरू हो चुका था, इसलिए जेनिफर डिसाइड करती है कि वो सैम को लेकर और थोड़ा ऊपर जाएगी जहाँ पे पानी कम हो।
वो पानी में उतरती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल इनकी ही फिराक में बैठा हुआ था। जैसे ही ये दोनों नीचे उतरते हैं, पर सही मौके पर जेनिफर सैम को ऊपर चढ़ा देती है, पर उसे खुद चढ़ने पे देरी हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो ऊपर चढ़ जाती है, और इसी चक्कर में उसका पैर भी फिसल जाता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पर वो पानी के बहुत ही करीब गिरी हुई थी, तो सैम उसके पास आकर उसे पानी से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सैम को पानी में एक परछाई दिखती है। वो टॉर्च से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक वो क्रोकोडाइल अपना पूरा मुंह खोलकर बाहर आता है और उसकी गर्दन पकड़कर पानी में खींच लेता है। अब उसकी चीख से जेनिफर भी होश में आ जाती है, पर वो सैम को आवाज़ लगाने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। लेकिन वो कुछ देर बाद वो क्रोकोडाइल वापस ऊपर आता है, और इस बारी उसके मुंह में सैम की बॉडी थी, जिसे वो बीच से अलग करके खा रहा था। अब ये भयानक मंजर देखकर जेनिफर कांपने लग जाती है, जिससे वो एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहाँ एरिक भी आता है और उसे बताता है कि वहाँ का रास्ता बंद है, अब हमें तैर कर दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। पर यहाँ योलांडा को सैम कहीं नहीं दिखता, तो उसे पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, और उसकी चुप्पी से वो समझ जाती है कि सैम नहीं रहा। और इसके बाद आखिर में वो एरिक से योलांडा के बारे में पूछ ही लेती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे इस बच्चे के बारे में कब बताने वाले थे, बोलो एरिक क्या ये सब सच है। तो वो अपनी गलती एडमिट कर लेता है कि उसका अफेयर उसकी फ्रेंड के साथ था, और ये बच्चा भी उसी का है, जिसे जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है। इधर वो एक तो अपनी जान गंवाने के रास्ते पर खड़ी थी, और एक तरफ उसे धोखा मिल जाता है। वो सारे वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं, पर तभी जेनिफर को पानी में सनलाइट दिखती है। यही मौका था यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि सनलाइट जरूर किसी रास्ते से आ रही होगी। यही सोच के तीनों पानी में कूद जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और इतनी आसानी से ये कैसे बाहर जा सकते हैं। लेकिन एरिक वहीं रुकने का फैसला करता है, ताकि उन दोनों की जान बचा सके, कि तभी उसके पास क्रोकोडाइल वापस आ जाता है और पकड़ लेता है। उसने ऐसा बस जेनिफर के लिए किया था, ताकि वो उसे माफ़ कर सके, लेकिन क्या वो अभी उसे माफ़ कर देगी गाइस। अब वो अंडर वाटर स्विम करके एक जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई थी और वहाँ पानी का लेवल भी कम था, पर वहाँ उन्हें एक रास्ता दिखता है, जिसमें तैरते हुए वो एक रिवर में आ जाते हैं, और कुछ देर बाद वो उस गुफा से उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 लोग गए थे अंदर, और बचे हैं सिर्फ 2 लोग। लेकिन रुकिए, अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब यहाँ से वो फौरन कार में बैठ कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर योलांडा को पता था कि वो उसे गुस्सा है, ये तो उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था, जिस वजह से वो कार बहुत ही तेज स्पीड से चला रही थी, जिससे उनके सामने अचानक से एक पेड़ आ जाता है, और उनकी कार जाकर सीधा गिरती है ब्लैक वाटर लेक में, जो हमने पिछले पार्ट में दिखाया गया था। वेल, अब वो फौरन बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कार में पानी भरता जा रहा था, तो उन्हें कैसी भी करके बाहर निकलना है। लेकिन इससे पहले वो बाहर निकल पाते, सामने से एक क्रोकोडाइल आ जाता है, और तभी जेनिफर को याद आता है कि कार के डैशबोर्ड में कैश की लाई हुई बंदूक रखी हुई है। वो फौरन उसे बाहर निकालती है और उस पर निशाना लगाने लगती है, पर वो इतनी तेजी से आकर कार को टक्कर मारता है कि पूरी कार ही पलट जाती है और पानी में डूबने लगती है। अब इनके लिए और मुसीबत बढ़ चुकी थी, लेकिन जेनिफर जैसी तैसे करके कार का गेट खोलती है, जिससे दोनों ऊपर आ जाते हैं। क्रोकोडाइल ऊपर इनका इंतजार ही कर रहा था। अब जेनिफर आगे भागती है और किनारे तक पहुंच जाती है, पर योलांडा के पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकती थी। अब वो वहीं फंस जाती है और उसके पीछे ही वो क्रोकोडाइल होता है। जेनिफर अगर चाहती तो वहां से भाग सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उसने अपनी दोस्त को बचाने का फैसला किया, भले ही उसने उसे धोखा दिया हो। वो क्रोकोडाइल पे गोलियां चलाने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसे लगती नहीं, जिसकी वजह से वो इसके करीब आ जाता है और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है। उसकी दोस्त को लगता है कि वो एक पल के लिए मर गई, पर तभी अचानक से एक आखिरी गोली उसे लग जाती है, जिससे वो क्रोकोडाइल मारा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर आकर योलांडा को बचा लेती है, और फिर दोनों वहां से गले लगते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और इसी तरह से इनकी जान बच जाती है। यहाँ जेनिफर ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि क्या सैम की बात सही थी, इन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, या फिर किसी न्यू जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला इनका सही नहीं था? अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले तो जाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।